जय श्री राधे माता जी। आप सबसे कुछ अपील करने आया हूं। 11 नवंबर को हमारी एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके लिए हल्ला बोल और एक महापड़ाव हम लोगों ने कहां पर रखा है? बाड़मेर मुख्यालय पर। बाड़मेर में वोटों की गिनती में हम सुनने आए हैं कि भाई 4 एमएलए तैयार हो जाए, इतने वोट है बाड़मेर की तरह पर। जब इतने वोट है तो हम लोग कैसे नहीं जाग पाएंगे? आज और हमें अभी खासकर बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों को शपथ लेनी चाहिए कि नारायण प्रजापति को हम पीछे रखेंगे, हम आगे होकर इस काम को करेंगे और मुझे भी मजा आएगा आपके पीछे खड़े होकर के संघर्ष करने में। कई लोग कहते हैं कि नारायण प्रजापति या नाम के लिए आया है या उसका कोई और चीज का इरादा है, राजनीति का इरादा है या और कुछ है। यहाँ के लोकल जो अध्यक्ष है या मान लीजिए नेता है उनको नीचा गिराने के लिए आया है। अगर ऐसी सोच है तो कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी मैं आज आपसे कह रहा हूं, हरीश जी प्रजापति जय श्री राधे माता की, पेमा राम जी राम राम, कान्हा राम जी प्रजापति कवास राम राम, रमेश प्रजापति जय श्री राधे माता की। अगर ये चीज आपको लग रही है नेमीचंद प्रजापति मालपुरा टोंक जय श्री राधे माता की, जगदीश प्रजापति जय श्री प्रजापति जी, वीरेंद्र प्रजापति हेलो सर हेलो सर, पेमा राम जी राम राम, नारायण जी दाना राम प्रजापति खट्टू राम राम, प्रकाश प्रजापति गांधव गला जय श्री राधे माता की, कुलदीप प्रजापति राम राम, प्रकाश प्रजापति गांधव राम राम, खिरजा राम प्रजापति राम राम, गणेश कारपेंटर गणेश खुड़ियाला राम राम, हीरालाल जी हमारे कबाड़ी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राधे माता की, प्रेम जी आठवा साहब, भागीरथ प्रजापति जय श्री राधे माता की, राम स्वरूप प्रजापति राम राम, हरीश प्रजापति जय श्री राधे माता की। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, राम अवतार प्रजापति राम राम सा, विष्णु प्रजापति जय श्री राधे माता की, राम स्वरूप प्रजापति राम राम सा, अध्यक्ष साहब आप अध्यक्ष समाज के, मैं तो छोटा सा सेवक हूँ, प्रताप राम जी जय माता जी सा, हम आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ, राजेश जी राम राम, रामगढ़ के हैं प्रकाश प्रजापत, कोई स्वच्छणी मुद्रा में है वो, धन्ना राम जी प्रजापत राम राम, उपेंद्र प्रजापति दक्षवंशी जय श्री राधे माता की, जय श्री दक्ष प्रजापति की, प्रकाश प्रजापति 11 नवंबर को महाआंदोलन होगा बाड़मेर में, नानगा राम जी जय श्री राधे माता की जयसार से हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वहाँ कोई राजनीति करने आ रहा हूँ या मैं कुछ और करने आ रहा हूँ, हरीश जी प्रजापति राम राम साहब, तो क्यों नहीं बाड़मेर के लोकल नेता, बाड़मेर के लोकल अध्यक्ष, बाड़मेर के लोकल बॉडी जो अपने आप को अगर मजबूत मानते हैं और उनको लगता है कि नारायण प्रजापति कुछ फायदा ले लेगा, खेरा जी गोगलाव से राम राम, मेघा राम जी राम राम, संतोष कुमार प्रजापत राम राम, राम कुमार प्रजापत नागौर राम राम, अशोक प्रजापति जय श्री राधे माता की, प्रकाश प्रजापति जय श्री राधे माता की, प्रजापति रणवीर खेरा कल्ला राम राम, नेमीचंद जी जय श्री राधे माता की, मदन जी प्रजापति ढेकाना राम राम, राम अवतार प्रजापति आपकी उम्र हजारी हो। उम्र का तो भरोसा नहीं, मैं आज राम राम थोड़ा कम करूँगा, अब एक बार मैं अपनी बात कह देता हूँ फिर सबसे मैं वार्तालाप करूँगा। मैं आज जो कहने आया हूँ बड़ा विचित्र है। आज सबसे पहले तो मैं एक दुख की घड़ी बता देता हूँ आपके, हमारे आईएएस पवन जी प्रजापति उनके पिताजी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए। आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा कि एक ट्रक ड्राइवर का बेटा बना आईएएस, एक ट्रक ड्राइवर का बेटा बना आईएएस। मुझे स्टार भी काफी लोग भेज रहे हैं, उनके माता पिता को धन्यवाद जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं फेसबुक पर। काफ़ी लोगों ने स्टार भेजे हैं, अभी भी मुझे दिख रहे हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमने आपको स्टार भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फेसबुक पर देखिए कोई स्टार आता है वो कोई भेजते हैं, उससे पता है कोई सहयोग होता है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग भेज रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कई चीज़ें की जो वार्तालाप हो रही है ना, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी और विशेष टिप्पणी करने आ जाया हूँ। आज ये लंबा चलेगा दोस्तों वीडियो, और काफ़ी मुझे आपसे बातें करनी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दबाकर शेयर कीजिएगा। तो ट्रक ड्राइवर का बेटा बना आईएएस,
आप सबने बताया थी मेरे साथ वो बच्चा पवन प्रजापति कई बार कई समाज की सभाओं में गया, अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं टोंक में भी उनको बुलाया और भी कई जगह उनको बुलाया गया, उनको सम्मान दिया गया। आज एक ट्रक ड्राइवर का बेटा आईएएस बन गया, लेकिन उसने कितनी मेहनत की थी, कितना परिश्रम किया होगा तब जाकर उसका बेटा आईएएस बना। और जैसे ही उसको उसका फल मिलने लगा, अभी परसों ही मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने कहा साहब अब आपके परिवार में सब कुछ रेडी है, अब आपका बेटा भी आईएएस हो गया है, अब आप मेरे साथ चलिए समाज सेवा करते हैं आप और हम दोनों मिलकर। तब रामेश्वर जी ने बड़े प्रेम से मुझे कहा था भाई साहब बस मैं अब आपके साथ ही चलूंगा, बस थोड़ा मेरा बेटे की आईएएस की जो कहीं उसको नौकरी लग जाए कि भाई आज ये तारीख फाइनल हो गई है उस दिन मैं आपके साथ चलूंगा। नेमीचंद जी ने 75 स्टार भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो चीजें हो रही है उससे मुझे एक सीख मिली। आज वो कल निकले थे घर से, कल निकल करके जयपुर से दौसा की तरफ जा रही थी ट्रक, उनका भतीजा चला रहा था, सामने से एक ट्रक आई और उसे कलासी साइड से उनको लग गई, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। जयपुर में उनका पोस्टमार्टम हुआ। प्रकाश प्रजापति गांधव ने 75 स्टार भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुझे वैसे पता नहीं चलता लेकिन जब पता चलता तो मैं आपको बताता हूं, कई बार कई लोगों ने कहा हमने भी भेजा, नारायण जी आपने बताया नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपसे काफी चर्चा करने आया हूं। तो रामेश्वर प्रजापति की जो अचानक घटना हुई है, आज चौटन से दुखद खबर, रत्नासर प्रजापति परिवार का घर जल गया, बहुत दुखद है भाई साहब। मैं तो कहता हूं चौटन के आसपास के प्रजापति भाइयों से इस परिवार के घर जाकर तुरंत इसकी मदद करें ताकि ये अपना झोपड़ा वापस तैयार कर सके, मानवता इसे ही कहते हैं। आज जो न्यूज डाली थी कि राजू प्रजापति 75 स्टार, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपको भी। तो ये तुरंत है ना जो देखने की बात है, अभी जैसे इन्होंने कहा रतव गांव में जैसे हो गया मकान जल गया, तो तुरंत आसपास के समाज बंधुओं को उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है उस गरीब को पता चल जाता है कि यार हमारी मदद करने वाले हमारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े। मैं तो कई गांवों में देखता हूं चौधरी समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, नाई समाज के लोग, खाती समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, हरिजन समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग और अन्य अन्य कई समाजों के लोग, ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, जनरल के लोग। किसी गरीब की कई झोपड़ी जल जाती है तो गांव के लोग इकट्ठे होकर फटाफट उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं और घर जाकर के उसको हिम्मत देते हैं कि चिंता मत करो ये पूरा गांव आपके साथ है। और आप तो केवल कुम्हारों की मदद करनी है, पूरे गांव की मदद नहीं करनी है, और करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अन्य समाज के लोगों की भी अगर मदद करते हो तो इससे बड़ी मानवता कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आप तो अपने कुल की भी मदद नहीं कर पा रहे हो तो आपसे कोई उम्मीद क्यों रखेगा आप अन्य किसी की मदद करोगे। आज जो हो रहा है मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। रामेश्वर जी प्रजापति के जो हादसा हुआ उससे एक सीख आप लोगों को भी मिलती है। इस धरती पर आप लोग आए हो संघर्ष करने के लिए, सुख पाने के लिए नहीं। और संघर्ष का मतलब होता है जैसे रामेश्वर जी ने जिंदगी पर संघर्ष किया, जिंदगी भर सुबह काम पर, शाम काम पर, रात को काम पर, कब घर आ रहा कब नहीं आ रहा उनको पता तक नहीं था, लेकिन जब उनके घर पर खुशियां आ रही थी तब वो भगवान के पास चले गए। तो इसका मतलब ये जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमारे हाथ में वो चीज नहीं है कि हम खुशियां ला सके, लेकिन हम किसी को खुशियां दे सके ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें इस दीपावली के पावन पर्व पर तो किसी एक घर में खुशी हम दे सकते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का पैकेट मिठाई, कपड़े लत्ते, कुछ भी आप उस घर तक पहुंचाकर एक घर में खुशियां ला सकते हैं। वरना जो रामेश्वर जी की बात थी, सुवालाल जी प्रजापति मेरठ 1100, इन्होंने लिखा है इस पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो कहता हूं किसी भी पीड़ित परिवार को कहीं भी आपके आसपास हो उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्या हमारे लिए कोई इंतजार करेगा आपके घर आकर के मैं रसीद बुक लेकर आऊंगा भैया सहयोग करो मैं समाज का सहयोग करने जा रहा हूं, तब आप सहयोग करोगे? या आप इंतजार कर रहे हो कोई रसीद बुक लेकर आए और आपसे कहे कि यहां एक परिवार है या एक दुखी है या ये पे? हमारे अंदर मानवता नहीं है, हम अपने आप किसी की मदद नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि नारायण प्रजापति के द्वारा या प्रजापति युवा शक्ति संगठन के द्वारा ही मदद करनी। आपके आसपास सैकड़ों आजकल युवा जाग चुके हैं,
आपके आसपास हजारों ऐसे युवा हैं जो एक मुहिम चलाते हैं, एक गरीब परिवार का नंबर देते हैं, आप उनको डायरेक्ट सहयोग कर दो ना, वो सहयोग मेरे तक पहुंच गया। आप किसी भी पीड़ित परिवार का अगर सहयोग करते हो वो मुझ तक पहुंचा है, आप ये सोच लीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो मेरे द्वारा करें, जिनको भरोसा है वो मेरे द्वारा सहयोग करें, जिनको भरोसा नहीं वो डायरेक्ट कर दें, किसी पीड़ित परिवार का नंबर मुझसे ले लें और कह दें कि नारायण जी मुझे एक पीड़ित परिवार का नंबर दो, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन हमें मानवता दिखानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं बाड़मेर जिले की एक बेटी की। उस बेटी ने ऐसा क्या किया है, कुछ आज भी दो मुंह के सांप, जी हां अब शब्द इसलिए बोल रहा हूं, कुछ आज भी दो मुंह के सांप कह रहे हैं कि उस बेटी की गलती है। क्या वो 14 साल की 13 साल की बेटी एक 50 साल के बुड्ढे के साथ जाकर के खुद जाकर के सोएगी? ये इतनी गंदी भाषा का प्रयोग मैं फेसबुक पर नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरी है। क्या वो खुद चाहेगी कि उसका शोषण हो? क्या खुद चाहेगी कि वो उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करे? और उस बाबा ने जो किया उसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। पेशाब का हलवा खिला रहा है आपको, सोच लीजिए वो क्या चीज है। उस बच्ची को क्या क्या पिलाया होगा उसने, किस दरिंदगी के साथ में उसके साथ में दुष्चार, मैं वो शब्द नहीं कह सकता, मेरे अंदर से तकलीफ होती है, वो मैं आपसे कह नहीं सकता। लेकिन मंथन कीजिएगा, अगर ऐसी घटिया हरकत आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ होती तो आग लग जाती आपके अंदर से। लेकिन आप लोग वो नहीं सोच रहे हैं, अरे उस बेटी के साथ हो रहा है, कल आपकी भी बारी हो सकती है, आपके आसपास किसी की हो सकती है, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, आपको पता भी नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, किसी को मिर्ची लगेगी और बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा। मिर्ची सिर्फ एक दो लोगों को लगेगी और लाखों लोगों को अच्छा लगेगा। मानवता के नाते किसी की बेटी हो, किसी जात की बेटी हो, उसके साथ जो दुष्कर्म करता है, वो भी 13-14 साल की मासूम बच्ची के साथ, वो आपको ऐसा लगता है कि उस परिवार ने करवाया है। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि उस परिवार की गलती थी। अरे भैया क्या गलती थी उस परिवार की, जब आपके घर में कई लोग बड़े हो, हमारे घर में तो कभी काम नहीं पड़ेगा, चिंता मत कर, मैं डंके की चोट कह रहा हूं, तेरे घर में सबसे पहले काम पड़ेगा। जो अपने आप को ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि हमारे यहां कुछ नहीं पड़ेगा, धनाराम जी कह रहे हैं हमें भी चाय पिलाने का मौका दो। समाज की पीड़ित सबसे बड़ा धर्म है, बिल्कुल साहब। अनिता जी समाज उठो जागो, एक बेटी कह रही है, अनिता नाम है जिनका, किशनगढ़ की रहने वाली है, वो भी इसमें लिख रही है कि समाज जागो। उस बेटी के लिए 11 नवंबर को दीपावली के बाद मैं बाड़मेर की मुख्य धारा पर वापस आ रहा हूं, और बाड़मेर में लाखों समाज बंधु है, लाखों नेता है, अध्यक्ष घर घर अध्यक्ष, अलग अलग तरह के संगठन बने हुए हैं, उन सबसे मैं अपील कर रहा हूं, मौका है आपको, नारायण प्रजापति को पीछे रखो, आप आगे आओ, मैं आपके साथ हूं, दलाली नहीं करने दूंगा, समाज के लिए लड़ने के लिए अगर आप आगे आते हो तो ये नारायण प्रजापति आपकी सेवा में, आपके चरणों में हमेशा पड़ा रहेगा। मुझे नाम नहीं चाहिए, अखबार में फोटो नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं करनी, किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करता हूं, समाज के लिए लड़ने के लिए आ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। वो बेटी क्या कह रही है आपको पता है, आज भी मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रही है कि मैं मर जाऊंगी मगर उस लाल बाबा बलात्कारी को फांसी दिलवाने की कोशिश करूंगी। अरे फांसी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पकड़ में भी नहीं आ रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है बाड़मेर से ही, हमारे समाज के कुछ लोगों के कारण से। वो लोग वहां जाकर के ये इतला देते कि इसके साथ कोई नहीं है, ऐसी कटिया मानसिकता के लोग, मत कीजिए ऐसा, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। बाड़मेर से सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ है और वो मेरे साथ संघर्ष करने को तैयार है। गोपाल जी रोहिणा ने भी 1100 रुपये पीड़ित परिवार के लिए दिए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बात ये करने नहीं आया हूं आज कि पीड़ितों के लिए सेवा करो या इसके लिए ये सेवा करो या उसके लिए वो करो या एक सीख लो। अरे रामेश्वर जी प्रजापति जब गए तो मेरे दिल में से अंदर से एक आवाज आई कि नारायण मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। कम से कम अगर मान लो रोड एक्सीडेंट में मैं मर गया, या अभी अभी आपके बाड़मेर में एक कांड हुआ, रास्ते में किसी को संबल सिंह के साथ जो घटना हुई, वो घटना मेरे साथ भी हो सकती है,
कभी भी आपके बाड़मेर में नहीं, मैं तो कहीं भी जाता हूं जहां पीड़ा होती है, दुख और तकलीफ होती है। और कौन लोग होते हैं जो अन्याय अत्याचार करने वाले? वो सक्षम लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं। कब किसकी गोली पर मेरा नाम लिखा होगा, कब किसकी गाड़ी के आगे मेरा नाम लिखा होगा, कब किस गाड़ी के नीचे मैं आऊंगा, उसके बाद अगर आप जागोगे उससे अच्छा है जीते जी मेरा साथ दे दे। मैं जब तक आपके लिए लड़ रहा हूं, मुझे किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करनी है। 11 नवंबर को बाड़मेर मुख्यालय पर अगर मानवता जीवित है तो इस महापड़ाव में एक बेटी का साथ दे। मैं नागौर से 400 किलोमीटर दूर अगर वहां आ सकता हूं तो आप जो बाड़मेर में लोकल शहर में रहते हैं उनसे मेरी अपील है, घर से बाहर निकले, बहन बेटियों के साथ बाहर निकले और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। आपको मेरा नाम नहीं पसंद है, छोड़ दीजिए मुझे। आप में से कोई भाई आगे आकर के कहिए कि हे नारायण तू मेरे पीछे खड़ा रहे, मैं एक मिनट भी देर ना करके आपके पीछे खड़ा रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपसे पहले पुलिस के जूते खाने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन कब तक? हम लोग एक दूसरों की कसरे निकालते, एक दूसरों पर टीका टिप्पणी करते, कब तक करोगे? किसके लिए करोगे? समय है, जाग जाओ। 11 नवंबर महापड़ाव बाड़मेर मुख्यालय पर आप और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अरे पीड़ित परिवार से एक पैसा नहीं लिया मैंने, किस चीज का लालच है? धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।